हुबली में प्रसिद्ध समाज सेवी सुभाष जिंदल जी द्वारा प्राइमा केयर फाउंडेशन की नींव रखी गई है और समाज सेवा कार्य शुरू हो चुके हैं। प्राइमा केयर फाउंडेशन कैसे काम करेगा और किस तरह से काम करेगा और कैसे मजबूती के साथ देश सेवा में आगे बढ़ेगा, आइए मैं मिलवाता हूँ आपको करुणा गोयल से। करुणा गोयल जी राजधानी एन्क्लेव में रहती हैं और आपसे बात करेंगे कि किस तरह से ये प्राइमा केयर फाउंडेशन अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़ेगी। मेरा नाम करुणा गोयल है। प्राइमा केयर फाउंडेशन इन्होंने अपनी एक संस्था बनाई जिसके अंडर मुझे भी इन्होंने काम करने के लिए समझा, ठीक समझा कि आप कर सकती हूँ। मैं ये सोचती हूँ सबसे पहला कार्य जो इन्होंने अच्छा सोचा है वो है एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस के जरिए हम किसी भी गरीब आदमी हो या मध्यम वर्गीय हो, किसी को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं आराम से, जिससे उसको कहीं हॉस्पिटल जाने आने में दिक्कत ना आए। नंबर दो, हम सेकंड कार्य ये करना चाहते हैं, जैसे आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा चल गया, उसके चलते बहुत ही ज़्यादा लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत गहरी हो गई है, उसमें सबसे पहले इंडस्ट्री आती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसके कारण बहुत से बैंक्वेट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स सब बंद हो गए। लेकिन उसके अंदर आप ये सोचेंगे कि कितनी दुनिया काम करती थी। मैं समझती हूँ लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत से वेटर्स हैं मैं जानती हूँ जिन्होंने सब्जी की रेहड़ियाँ लगा ली, उनके लिए हम क्या करें। एक बायोगैस प्लांट का एक पूरा लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, लोगों के घरों का कूड़ा इकट्ठा करके कुछ स्वीपर्स हायर करेंगे जो लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा करेंगे, उसमें डालेंगे, उससे क्या होगा, ये नंबर एक, गंदगी ख़त्म होगी, नंबर दो, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, नंबर तीन, सरकार के ऊपर भी कम लोड पड़ेगा ताकि हम नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। मैं और भी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, एक ब्लाइंड आश्रम है, आज उसमें 63 गर्ल्स ही गर्ल्स हैं, वहाँ बॉयज़ नहीं रहते। उसके बाद श्रीमती किरण चोपड़ा जी ने पंजाब केसरी की जो ओनर हैं, एक छोटा सा पौधा लगाया था सिर्फ 9 लोगों के साथ, जिसमें मैं भी थी, उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब बनाया। ये सोच ये थी कि लड़कियों के लिए सारी दुनिया काम करती है, बच्चों के लिए सारी दुनिया काम करती है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनको कोई ना समय देता है ना उनके लिए कोई काम करता है, पता नहीं ना जाने किनके आशीर्वाद से कब क्या होता है। तो उन्होंने इस बारे में एक नया क्लब बनाया और आज वो पूरे इंडिया में 23 ब्रांचेस चला रही हैं, जिसके अंडर है पंजाबी बाग ब्रांच की एक वॉलंटियर हूँ, जिसमें हम लोग जाते हैं, हर बुधवार मैं जाती हूँ और वहाँ 125 के करीब लोग आते हैं जो सब 60 से ऊपर हैं, पर उनके उनको क्या करते हैं हम, एंटरटेनमेंट, उनका टाइम पास, ताकि उन्हें अपने घर में अकेले ना रहना पड़े और उनका समय पास हो जाए। पंजाब केसरी का काम है वो किरण चोपड़ा जी ने बिल्कुल बंद किया हुआ है, किसी ने नहीं आना, ऑलरेडी वहाँ तो बुजुर्ग ही काम करते हैं ना, बुजुर्ग ही आते हैं, तो वहाँ बिल्कुल मना किया है, लेकिन ऑनलाइन हम लोग उनको अपनी सेवा कैसे दे सकते हैं, ऑनलाइन बैठ के बात कर लेते हैं उनसे, उनके डांसेस देख लेते हैं उनसे, जैसे बुधवार को 10 मिनट बैठ गए ऑनलाइन, उनको उतने में ही खुशी हो जाती है। मैं महिला होने के नाते ये समझती हूँ कि जो बल्कि कोरोना से पहले जो परिवारों में दूरियां थी, कोरोना के ड्यूरिंग तो दूरियां वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं, शायद वो क्वालिटी टाइम ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा जो आजकल है। कोरोना में परिवार आपस में इतना जुड़ के बैठ गया, इकट्ठे कार्ड्स खेलना, चाहे वो दादा हो, चाहे वो पोता हो, चाहे वो बीच की जनरेशन, ऑल जनरेशन सेट टुगेदर और बहुत अच्छे से टाइम निकाला, और आगे भी मैं ये समझती हूँ कि इसका इफ़ेक्ट आगे भी रहेगा। बहुत दुनिया की सोच बदलने वाली है और बदलेगी भी, जो पहले अहम था लोगों में, जो पहले पैसे की ललक थी लोगों में, शायद कम हो जाए, मैं ऐसा मेरा अपना मानना है पर्सनली। और मैं वैसे क्लब से भी जुड़ी हुई हूँ, एक महिला मंडल क्लब है पंजाबी बाग का, श्रीमती मीना गुप्ता जी ने बनाया हुआ है, उससे उसकी भी मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ और मैं 15 साल से उसकी भी मेंबर हूँ। एक और महिला क्लब है संचारिका के नाम से, उसकी भी मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ, वो भी 8 साल से पिछले, वो श्रीमती सरोज भरतिया जी ने बनाया हुआ है। क्लब से काम तो काफ़ी करते हैं पर मैं अपने परिवार को पहली अहमियत देती हूँ। छोटा सा आप संदेश छोटा छोटा दे दीजिए कि प्राइमा केयर भविष्य में लोगों के लिए कैसे काम करेगी, बहुत छोटे से शब्द। देखिए संस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनली मानना है, ये सोचती हूँ भाई साहब काम ऐसा करेंगे जो आम आदमी ना कर पाए,
पर लेकिन चाहे थोड़ा सा काम करें, चाहे हम बहुत छोटा सा काम करें, लेकिन काम ऐसा करें जो हमेशा के लिए चलता रहे, उसको बीच में ख़त्म नहीं करना। और प्राइमा केयर फाउंडेशन को हम इतनी ऊंचाइयों तक लेके जाएं जो दिल से, जो आत्मा से इंसान जिसकी भी हम हेल्प करें, वो इंसान ये कहे कि वाकई दिल से दुआएँ दे, दिल से वो चाहे कि ये आसमान की ऊँचाइयों तक छू।